रवां महीने का तीसरा प्रोग्राम लेकर खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम नाजरीन आपकी खिदमत में हाजिर है। हम सबका सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, पहले बात करते हैं दो स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज की रिटायरमेंट की। प्रोग्राम के आगाज में एक है भारत के फुटबॉल कैप्टन जो गुज़श्ता कई साल से सीन पर थे और इंडियन फुटबॉल लवर्स की जो धड़कने हैं वो उनके लिए होती थी, उनका जो जोश होता था उनको देखकर जो है एक बयान ही होता था, वो थे सुनील छेत्री। तो सुनील छेत्री ने रिटायर होने का फैसला किया है और इसके साथ साथ जो 20 साल से इंग्लैंड के लिए फास्ट बॉलिंग का और स्विंग बॉलिंग का कारनामा सरंजाम देते थे जिमी एंडरसन, उनने भी ये ऐलान किया है इसी हफ्ते कि अब वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर होंगे। जुलाई में एक टेस्ट वो खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, उनका आखिरी टेस्ट होगा। तो काफ़ी फैंस जो है अब उस पर काफ़ी मायूस हुए कि अब वो इनको नहीं देख पाएंगे, साथ ही वो खुश थे कि अब उनके जो ये फेवरेट प्लेयर्स थे एक करियर के दूसरे फेज़ में जाएंगे जहां पर वो हो सकता है कमेंट्री में या कोचिंग में फिर नज़र आएंगे। और अब प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। बाज़ाबिता तौर एक ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात होगी गेम ऑफ बिलियंस फुटबॉल की, एक ख़ास सिलेक्शन हुई है इनकी। तो कौन है मेहमान और किस मौजू पर होगी बात, इसके लिए आप कीजिए जरा सा इंतजार। प्रोग्राम का आगाज करते हैं लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से, चलते हैं इसके राउंडअप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंडअप, आइए देखते हैं। देहरादून में मुनक़दा ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों ने कुल मिलाकर 4 मेडल जीत लिए जिसमें 2 सिल्वर और 2 ब्रोंज के मेडल हैं शामिल। इस चैंपियनशिप में मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 200 से ज्यादा खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू के के हक्कू स्टेडियम पर हुआ हॉकी लीग 2024 का रंगरंग तकरीब के साथ शानदार आगाज। इब्तदाई दिन के मुकाबले में खेलो इंडिया सेंट्रल जम्मू और सहारा वॉरियर्स हॉकी क्लब के दरमियान हुआ मुकाबला। इस लीग में सुबह जम्मू से वाबस्ता 22 टीमें कर रही है शिरकत। अफगानिस्तान में जारी विलेज लेवल टी20 नाकआउट टूर्नामेंट के एक अहम मुकाबले में एफसीसी छानपुरा ने सिकंदर बारसू की टीम को 39 रनों से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। आदिल नबी को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मैन ऑफ द मैच के एजाज से नवाजा गया। अबू धाबी में मुनक़दा एशियन यूथ जिजुत्सु चैंपियनशिप 2024 के दौरान वादी से ताल्लुक रखने वाले 20 साल सबकत मलिक ने एक सिल्वर का मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में भारत के कुल 20 खिलाड़ियों ने की थी शमूलियत। सोपूर में जारी वॉलर प्रीमियर लीग 2024 के एक और मुकाबले में सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने मोगुल 11 की टीम को 5 विकेटों से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस लीग में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 42 टीमें ले रही है हिस्सा। कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम श्रीनगर में एथलीट्स को दी जा रही है हर तरह की तरबियत ताकि आने वाले सोनमर्ग से जोजिला हाईली एल्टीट्यूड रनिंग चैलेंज में खिलाड़ियों को इस ट्रेनिंग का फायदा मिल सके। जम्मू कश्मीर फुटबॉल एसोसिएशन के इश्तराक से वनपुरा ग्राउंड पर हुआ साउथ कश्मीर गोल्ड फुटबॉल कप के तीसरे एडिशन का शानदार आगाज। इब्तदाई मुकाबले में डीएफए कुलगाम और एसटीएफसी नटीपुरा की टीमें थी आमने सामने। माई यूथ माई प्राइड प्रोग्राम के तहत महकमा यूथ रिसर्च एंड स्पोर्ट्स के इश्तराक से कुलगाम में अंडर 14 गर्ल्स के लिए कबड्डी टूर्नामेंट का हुआ शानदार आगाज जिसमें मुख्तलिफ जोनों से वाबस्ता 100 से ज्यादा तालिबात कर रही है शिरकत। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जर एहतमाम श्रीनगर के वाटर स्पोर्ट्स सेंटर पर उभरते नौजवानों के लिए ग्रास रूट लेवल पर आबी खेलों के हवाले से दी जा रही है तरबियत ताकि आने वाले वक्त में खिलाड़ियों को इस तरबियत का फायदा मिल सके। महकमा यूथ रिसर्च एंड स्पोर्ट्स के जर एहतमाम बड़गाम के मुख्तलिफ इलाकों में कई तरह की खेल सरगर्मियां इन दिनों शुदमत से है जारी जिनमें मुकामी स्कूलों से वाबस्ता मुख्तलिफ उम्र के खिलाड़ी जोश के साथ कर रहे हैं शिरकत। छत्तीसगढ़ में मुनक़दा 7वें एमएमए इंडिया कौमी चैंपियनशिप 2024 के दौरान जम्मू कश्मीर ने पहली रनर अप ट्रॉफी जीत ली जिसमें यूटी के खिलाड़ियों ने कुल 26 मेडल जीत लिए जिसमें 11 गोल्ड 12 सिल्वर और 3 ब्रोंज के मेडल हैं शामिल। इसी चैंपियनशिप के दौरान वादी के जाने माने कोच और जनरल सेक्रेटरी आसिफ अहमद को बेस्ट यूथ डेवलपमेंट के अवार्ड से नवाजा गया और यूथ कैटेगरी में जायद शबीर को एथलीट ऑफ द ईयर के एजाज से नवाजा गया। नजरिए था मुकामी खेल खबरों का अहवाल, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नजरिए मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। ये प्रोग्राम डीडी कश्मीर चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से लाइव आपकी खिदमत में टेलीकास्ट हो रहा है। इसके अलावा यूट्यूब पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख रहे हैं। नाजरीन यूट्यूब पर आप डीडी कश्मीर चैनल पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट में आप
आर स्पोर्ट्स प्रोग्राम में खेल और खिलाड़ी के एपिसोड्स पाएंगे, जब भी आप चाहें आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईपीएल 2024 के इख्तिताम में रह गए अब सिर्फ 9 दिन। केकेआर की टीम पॉइंट्स टेबल में टॉप पर और बर्थ बुक कर लिया प्लेऑफ्स के लिए। राजस्थान रॉयल्स दूसरे नंबर पर और प्लेऑफ में जगह हासिल करने वाली दूसरी टीम बनी। राजस्थान रॉयल के 13 मैच में 16 पॉइंट्स। सनराइजर्स हैदराबाद ने भी प्लेऑफ्स में एंट्री हासिल कर ली। आज है आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस के साथ। किंग्स इलेवन पंजाब ने राजस्थान रॉयल्स की टीम को हरा दिया था और सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मैच जो है वो बारिश की नजर हो गया। भारत की मेंस हॉकी टीम अगले हफ्ते बेल्जियम के दौरे पर जा रही है, जहां पर वो FIH प्रो लीग में शिरकत करेगी। दूसरी तरफ भारतीय खवातीन भी प्रो हॉकी लीग के मैचेस खेलने के लिए यूरोप के टूर पर रवाना होंगी, जहां लंदन और एंटवर्प में वो मैचेस खेलेंगी। भारतीय मेंस फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट का किया है ऐलान। 39 साल भारतीय स्कीपर कुवैत के खिलाफ 6 जून को वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद अपने बूट्स हैंग कर रहे हैं। सभी खिलाड़ियों ने एक शानदार करियर के लिए उनको खराज तहसीन पेश किया है। भारत के स्पोर्ट्स लवर्स के लिए आई कायरो से वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप से एक मायूसकुन खबर। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी रमित टंडन हो गए अनफिट होने की वजह से सेकंड राउंड के दौरान चैंपियनशिप से बाहर। भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मेन स्टार जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा की एक लंबे वक्त के बाद होम ग्राउंड पर शानदार कारकर्दगी जीता। फेडरेशन कप में कलिंगा स्टेडियम ओडिशा में 82.28 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल। जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश के खिलाफ 5वें और आखिरी T20 में की कामयाबी हासिल। ब्रायन बेनेट रहे आखिरी मैच के प्लेयर ऑफ द मैच। मेजबान बांग्लादेश ने सीरीज के पहले 4 मैच जीतकर 4-0 से पहली ही सीरीज जीती थी और तस्कीन अहमद रहे प्लेयर ऑफ द सीरीज। मलेशिया में सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में जापान ने पाकिस्तान को हरा दिया और चैंपियन का टाइटल हासिल कर लिया। 6 टीमों के इस मेंस हॉकी टूर्नामेंट में जापान ने पाकिस्तान को फाइनल मैच में पेनल्टीज पर हराया। डबलिन आयरलैंड में पाकिस्तानी मेजबान आयरलैंड को तीसरे और आखिरी T20 में हराकर सीरीज 2-1 से जीती। फैसला कुन मैच में प्लेयर ऑफ द मैच शाहीन आफरीदी रहे। कप्तान बाबर आजम ने 42 गेंदों पर 75 रन की इनिंग खेली। इंग्लैंड के वेटरन गेंदबाज करीब 42 साल राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर जेम्स एंडरसन ने बिलाखिर टेस्ट क्रिकेट को अलविदा करने का किया है ऐलान। 187 टेस्ट में 700 विकेट हासिल किए जिमी एंडरसन ने और लॉर्ड्स टेस्ट में जुलाई में आखिरी मरतबा रेड जेरी के साथ नजर आएंगे इंग्लैंड के लिए। और यूसैन बोल्ट और चंद दीगर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ने न्यूयॉर्क अमरीका में नसाओ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड की इनाग्रेशन में शिरकत की। इस नए मैदान पर 9 जून को भारत और पाकिस्तान का जो T20 वर्ल्ड कप का मैच है खेला जाएगा। ये एक नए इंटरनेशनल क्रिकेट सेंटर का इजाफा हो जाएगा जो कि न्यूयॉर्क USA में है। तो नाज़रीन अब प्रोग्राम में मेहमान से मिलने के लिए हम चलेंगे मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों फुटबॉल का खेल दुनिया में बहुत मकबूल है। 190 से ज़्यादा ममालिक में ये खेल खेला जाता है। एक वजह जो फुटबॉल की मकबूलियत की है वो है कि ये हर एक की पहुँच में है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर इंसान ये खेल खेल सकता है। गरीब खिलाड़ियों की बात चली है तो मुझे याद आए एडसन अरांटेस डो नेसिमेंटो। आपने कभी सुना है इनका नाम? जी हाँ, इन्हें हम प्यार से पेले कहते थे। पेले ब्राज़ील के थे और ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो के स्लम में रहा करते थे और वहाँ पर जो बहुत बड़ा कचरे का डब्बा था वहाँ से कागज़ जमा करते, उसके बाद गत्ते के टुकड़े जमा करते, उन पर धागा लपेटते, एक बॉल जैसी बनाते और शाम को ये बच्चे खेला करते थे। दिन भर बूट पॉलिश किया करते थे। और फिर पेले देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ब्राज़ील के लिए खेला, 3 बार वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद ब्राज़ील के स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने और फिर यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर बने और एक बहुत बड़ा नाम पेले का। तो फुटबॉल में ऐसे ही सितारों ने इस खेल को बहुत ऊंचा मकाम दिलाया है। जहां तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है यहां भी बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा हुए हैं, बहुत सारे नाम गिनवाए जा सकते हैं। लेकिन अब कुछ अरसे से वादी में फुटबॉल में एक इनकलाब आया है। छोटे छोटे बच्चे, छोटे लड़के फुटबॉल की तरफ बहुत रागिब हो रहे हैं और न सिर्फ मकामी तौर पर बल्कि कौमी लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी अपना नाम कर रहे हैं। ऐसे एक होनहार खिलाड़ी को आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। आइए मिलते हैं फैजान वहीद से। फैजान इस प्रोग्राम में खैर मकदम है आपका। थैंक यू सो मच। फैजान मुझे बताइए, देखिए आम तौर पे जब बच्चा थोड़ा सा हरकत करने लगता है तो कुदरती जो अमल है इंसान का
फितरी अमल है वो दौड़ने का है। तो आपने जब दौड़ना शुरू किया, फिर आपके कदमों में पहली बार बॉल कब आई? मैं बहुत छोटा था जब मैं एक गेम स्टार्ट करी मैंने, मतलब टाइकोंडो बोलते थे उसे, तो मैं वो ऐसे ही लोकल खेलता था। तो फिर वहाँ पे एक एकेडमी थी, फिर हम ऐसे छोटे होके वहाँ पे जाते थे, तो फिर वहाँ पे हम ऐसे गए तो ऐसी बॉल वहाँ पे बड़े लोग खेलते थे, हम तब बहुत छोटे थे, तो फिर तब जाके मेरे पैर में बॉल आई, तो मैंने सोचा कि ये भी कोई गेम है। तो तब से जिस इलाके में आप रहते हैं नरकरा में, वहाँ पे कोई ग्राउंड वगैरह है नहीं? नहीं नहीं नहीं। तो फिर आपको कैसे शौक हुआ और इस लेवल तक, इंटरनेशनल लेवल तक कैसे पहुँच पाए आप? वहाँ पे एक मेरा कोच ही बोले उसे, मोहम्मद यूनुस अहमद डार, तो उसने 2016 में वहाँ पे एक एकेडमी खोली सॉकर सिटी नारकरा। वहाँ पे एक आदमी मतलब इंसान, उसके उसका प्राइवेट प्लेटफॉर्म है। अच्छा। तो वहाँ पे हम ट्रेनिंग करते थे, तो उसने एकेडमी खोली। फिर 2018 में यहाँ पे SFA में ट्रायल्स हो गई, तो हम आ गए वहाँ पे। उस एकेडमी का मैं पहला बच्चा था जो यहाँ पे सिलेक्ट हुआ, तो श्रीनगर फुटबॉल एकेडमी SFA में, उसमें आप सिलेक्ट हुए, जिसके कोच थे मेहराजुद्दीन वड्डू, आजकल भी वो वही हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मेहराजुद्दीन वड्डू के साथ एक आप देखिए ना कहां से कहां पहुंच गए। हाँ जी हाँ जी। और मेहराजुद्दीन वड्डू जो कि बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, भारत के रहे हैं और आप कोचिंग करते हैं, उनकी शागिर्दगी में आप आ गए। तो ये ट्रांजिशन, ये इनकलाब, ये तब्दीली कैसी थी और आपने इसका कितना फ़ायदा उठाया? मैंने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया और बहुत ज़्यादा अच्छी जर्नी थी, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट करा, यहाँ तक मैं अभी हूँ उनकी वजह से हूँ, मतलब वो भी एक जरिया है इसका। हाँ जी, उन लोगों ने बहुत हेल्प करी। वो अगर गलती होती थी वो तो वो टोकते थे कि कहाँ पे क्या करना है, तो एज ए सपोर्टर। उसके बाद आपने लोकल लेवल पे खेला, फिर आगे आपने कहाँ कहाँ खेला और ये जो आपका सफर है वो कैसा रहा? जी बताइए। ये एशियन कप का था और हाँ। ये थाईलैंड की पिक्चर है। तो थाईलैंड कैसे पहुंचे आप? थाईलैंड में हम एशियन कप के लिए गए थे और ये साफ का है, ये भी थाईलैंड का ही है। अच्छा, इंडिया के लिए कैसे सिलेक्ट हुए? आपने कोई टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, फिर आप इंडिया की टीम में गए अंडर 17 में? इन 2019 मैं हम आई लीग खेलने गए गोवा, वहाँ पे हमारा मैच था सेमीफाइनल बेंगलोर के साथ और मैंने वहाँ पे स्कोर करा 2-1, हमने लूज करा वो गेम बट मैंने स्कोर करा, उसमें मेरा नाम इंडिया टीम में आ गया। किस टीम की तरफ से खेल रहे थे आप? SFA की तरफ से। बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और पहली बार जब आप इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए तो पहला टूर कहाँ का था और वहाँ आपकी कारकर्दगी कैसी रही? पहला टूर हमारा श्रीलंका की ओर था, जो वहाँ पे हमारा साफ था सैफ, तो वो वहाँ पे हमारे 2022 में। हाँ जी हाँ जी जी। कैसी कारकर्दगी रही वही? वहाँ पे बहुत अच्छा रहा सब कुछ, हम चैंपियंस रहे वहाँ पे उस चैंपियनशिप के सैफ कप। हाँ जी हाँ। देखिए सैफ कप जब से शुरू हुआ है भारत ने हमेशा वो कप जीता है। हाँ जी हाँ जी। तो आप भी उसका हिस्सा रहे हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी शानदार कारकर्दगी आपने दिखाई है। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल तक आप कैसे पहुंचे? बहुत सारे कंट्रीज में भी गए। हाँ जी हाँ जी। किस किस कंट्री में गए, वहाँ क्या क्या किया आपने, कौन से मैचेस खेले? ये जर्मनी, स्पेन, थाईलैंड, दुबई, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे हम गए एग्जीबिशन, मतलब फ्रेंडली मैचेस। ये जर्मनी की फोटो पिक्चर, ये वीडियोज है। हाँ हाँ। जो वहाँ पे स्टुटगार्ट है उसके साथ जी, ये हमने ये फ्रेंडली मैच करा था तो उनके साथ। ये कैसा एक्सपीरियंस रहा वहाँ आपको स्टुटगार्ट में? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा था क्योंकि वहाँ की लेवल बहुत ज़्यादा टफ है यूरोपियन, व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन, बहुत मतलब यूरोप। देखिए ग्राउंड कितना अच्छा है। हाँ, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर्स सब कुछ मेंटेन किया हुआ है और कितना अच्छा है, आप फ्रीली दौड़ सकते हैं, कोई इंजरी का खतरा नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा। इसके अलावा जर्मनी के अलावा कहाँ कहाँ गए थे आप? दुबई, कतर, जर्मनी, ओमान, सऊदी अरबिया, श्रीलंका, और ये जो अभी वीडियो प्ले हो रहा है ये जर्मनी का है। जी हाँ जी। उसके बाद जो आपने खेला था अंडर 17 का AFC एशियन कप, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन कप, उसका बताइए 2022 में कैसी कारकर्दगी रही आप? वहाँ पे अच्छी रही, बहुत ज़्यादा अच्छी रही और वो वन ऑफ द बेस्ट कप्स में माना जाता है इंडिया में, मतलब लाइक एशियन में, एशिया में। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा। किस पोजीशन पे आप खेलते हैं? मैं स्ट्राइकर खेलता हूँ बट इंडियन टीम में एज ए राइट बैक में खेलता हूँ। स्ट्राइकर से राइट बैक में आना या मिडफील्ड में खेलना, ये जो ट्रांजिशन है इसकी क्या वजह रही? कोच की वो डिमांड थी? नहीं नहीं, या टीम की डिमांड थी, क्या वजह थी? इसकी डिमांड नहीं थी, मेरा जो मुझे कोच ने बोला कि तेरा स्ट्रेंथ मतलब स्ट्रेंथ सब कुछ अच्छा है तो अगर राइट बैक में जाएगा
तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल अगर आपको बीट नहीं कर पाएगा मतलब. तो ये मैचेस कौन से हैं इनके बारे में बताइए. ये साफ चैंपियनशिप का मैच. साफ चैंपियनशिप जी भूटान के साथ है ये वाला मैच. इसमें क्या कारकर्दगी रही आपकी. हमने जीता ये उसमें सिस्टम. ये आप हैं जी. ये आपका जो जर्सी नंबर है 19. हाँ जी. तो इसके लिए कोई खास बात है. ये नंबर चुनने की वजह है कोई खास. क्या ऐसे ही जो कोच ने कहा पहना दिया. नहीं नहीं ये टीम की रिक्वायरमेंट की. अब देखिए ना जैसे बहुत सारे नंबर जो हैं वो खास खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए हैं. 10 नंबर पेले के साथ मेसी के साथ ऐसे ही इसी तरह 7 जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो C7. ये जर्सी नंबर का कितना रोल रहता है एक खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में. रहता है जैसा लक होता है ना इंसान बोलता है कि मेरा लक क्या है तो वैसा ही रहता है. फिर अगर कोई ये मैच किसके साथ था और इसमें कारकर्दगी इंडिया की कैसे रही. ये मालदीव्स के साथ है. मालदीव्स के साथ कहां पर. सऊदी अरबिया में. सऊदी अरबिया में. तो ये क्वालिफायर्स थे. हाँ जी हाँ जी. इन क्वालिफायर्स में तो बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया. मालदीव्स को भी आपने हराया. हाँ जी हाँ जी. 3-0 से 5-0 से हराया. उनके साथ हमने दो मैच खेले जी. उसके अलावा उसके बाद जो कारकर्दगी रही इस मैच में तो इंडिया की टीम तो बहुत अच्छा खेली. उसके बाद उन्होंने क्वालिफाई भी किया. हाँ जी हाँ. तो क्या वजह रही उसके बाद आगे उतनी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए. व्हाट वाज द रीजन. रीजन हम ऐसे नहीं बोल सकते बट व्हेन इट कम्स टू द लाइक हाईएस्ट लेवल कंपटीशन बहुत टफ होता जाता है. मतलब बहुत टफ होता है. हाँ. तो हमने बहुत कोशिश करी. हमने बहुत एफर्ट डाला बट नहीं हो पाया. तो कई बार ऐसा होता है कि आपने गोल के बहुत करीब मैंने देखा एक बार आप बिल्कुल करीब पहुंचे थे. यू हैड टू बीट द गोलकीपर ओनली. हाँ जी हाँ. तो बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे थे लेकिन वहां पर आपने किक लगाई सीधा गोलकीपर ने बचा लिया. हाँ जी हाँ जी. तो ऐसे टाइम पे हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू कीप कूल और तजुर्बे का कितना रोल होता है इसमें. कॉन्फिडेंस अगर इंसान को होगा ना मतलब एज ए प्लेयर तो दैट्स ऑल. जब आप होते हो ना 1v1 विद द गोलकीपर इफ यू आर कॉन्फिडेंट देन एवरीथिंग इज पॉसिबल. इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल देन कुछ भी. जो जापान के साथ मैच हुआ था. हाँ जी. पिछले साल 2023 में. हाँ जी हाँ जी. AFC कप में. हाँ जी. इसमें भारत की टीम तो बहुत अच्छी थी लेकिन जापान ने बहुत गोल किए. हाँ जी हाँ जी. 8-4 से भारत को हराया. हाँ जी हाँ जी. तो इतना बड़ा स्कोर ये 8 गोल खाना लेकिन हालांकि आपने 4 गोल वापस भी उतारे लेकिन हाँ वजह क्या थी. क्या ये ट्रैक इतना फास्ट था कि इस पर फास्ट फुटबॉल देखी गई या कोई और वजह हो सकती. नहीं एशियन व्हेन इट कम्स टू मतलब एशियन कप जो है ना मतलब अगर वहाँ पे कोई एक भी गलती होगी ना तो वो जानलेवा होती है जैसे इंसान बोलता है क्योंकि लेवल बहुत ज़्यादा टफ होती है. और हमने एफर्ट डाले सब कुछ एंड वो पता नहीं वो स्कोर कैसे होगा उसके लिए. देखिए सब... इंडिया के खिलाड़ी ने कैसा गोल किया. स्टॉक शॉट बहुत ही. हाँ बहुत अच्छा. लेफ्ट फुटर सीधा गोल के लेफ्ट कॉर्नर में. हाँ जी बहुत ही अच्छी इंटरनेशनल लेवल की किक थी. यस तो ये जो खिलाड़ी है हमारे फिजिकल फिटनेस का कितना अमल दखल है जापानीज खिलाड़ियों में और इंडियन खिलाड़ियों में. क्या फिजिकल फिटनेस भी एक फैक्टर है हमारी कारकर्दगी की. बिग रोल प्ले करता है इसमें. अच्छा. दे आर रियली फास्ट. दे आर वेरी फास्ट. यस एंड देयर आईक्यू उनका बहुत फास्ट है. जी यस. देखिए एक चीज जो हम यहां देखते हैं हमारे यहां प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहां उतने ग्राउंड्स नहीं. जैसे कि अभी हमने देखा जर्मनी के ग्राउंड देखे बाकी जगहों पर देखे. इसी तरह हमने AFC कप जो हुआ श्रीलंका में हुआ बांग्लादेश में हुआ भूटान में हुआ और इसी तरह आपने मुख्तलिफ कंट्रीज में खेला. तो ग्राउंड्स का जो मयार होता है नेचुरल ग्रास के ग्राउंड होते हैं अगर सिंथेटिक टर्फ का भी होगा उसका मयार भी बहुत अच्छा था. कितना इंपॉर्टेंट है एक ग्राउंड का होना और अच्छा ग्राउंड होना उस पर ट्रेन करना और उसके बाद आप कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकते हैं. हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ इन योर परफॉर्मेंस. इट्स रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज जब ग्राउंड की बात आती है ना तो आई थिंक फुटबॉल में ग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट मोर इम्पॉर्टेंट. जब ग्राउंड अच्छा होगा तो यू कैन प्ले बेटर. इफ ग्राउंड इज नॉट गुड देन इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज यू विल गेट इंजर्ड एंड ऑल. आजकल जो ट्रेंड है जैसे कि आपने भी स्टार्ट किया मुझे याद है कि आपने 7-a-side से खेलना शुरू कर दिया. यस यस. तो छोटा सा ग्राउंड भी चलेगा. yes. लेकिन इफ यू वॉन्ट टू प्ले इंटरनेशनल फुटबॉल इफ यू वॉन्ट टू प्ले प्रोफेशनल फुटबॉल यू हैव टू हैव गुड ग्राउंड्स. आपको yes. बड़े ग्राउंड्स होने चाहिए. yes. इंटरनेशनल मयार के ग्राउंड होने yes. चाहिए. देखिए हमारे यहाँ अगर हम गिनवाएं श्रीनगर सिटी में अभी यहाँ TRC का है उसमें जो सिंथेटिक टर्फ है वो चेंज करनी है. उसके बाद हमारा पोलो ग्राउंड है. पोलो ग्राउंड का जो स्टैंडर्ड है वहां पे एक प्रोफेशनल मैच नहीं हो सकता और अच्छे टॉप क्वालिटी मैचेस नहीं हो सकते. गनी मेमोरियल स्टेडियम है. इन जगहों पे आपने खेला आपको क्या लगा. आपने जाके वर्ल्ड में भी खेला और आपने इन ग्राउंड्स में भी खेला
सबसे बड़ा फर्क क्या लगा और आपकी कारकर्दगी को कितना इम्पैक्ट करते हैं ये ग्राउंड? इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे होने चाहिए अगर ग्राउंड की बात करें हम, यहाँ पे भी है लाइक टीआरसी बहुत अच्छी थी पहले, अब रिप्लेस उसका चेंज भी हो रहा है तो अब बहुत ज्यादा बेटर रहेगा, बट इन पोलो ग्राउंड वहाँ पे थोड़ा मुश्किल है आज, पहले बख्शी स्टेडियम में हमारा नेचुरल ग्रास है, यस यस, उसको डेवलप करने की जरूरत है। हाँ जी हाँ जी। और कौन से गनी मेमोरियल में कभी खेला आपने? नहीं 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 खेला है। नहीं, डाउनटाउन में बहुत अच्छा स्टेडियम है, थोड़ा मेंटेन करने की जरूरत है। देखिए आपके साथ छोटे छोटे खिलाड़ी जो हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमाद, हाँ जी, अभी इंडियन टीम के लिए सिलेक्ट हुआ ट्रायल्स के लिए, तो हमाद के साथ आपने खेला है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है, हमाद किस पोजिशन पर खेलता है, और कभी आपने खेला हो तो आप दोनों की राइवलरी कैसी रही? हमने एक टीम में नहीं खेला है बट एज इन लीग्स यहाँ पे श्रीनगर में हमने खेला है, मैंने अपोजिट होके। हमाद किस टीम में खेलता है? हमाद खेलता था रियल कश्मीर में। अच्छा, रियल कश्मीर। देखिए रियल कश्मीर तो बहुत अच्छी टीम है और रियल कश्मीर ने भी यहाँ की काया पलट दी है जहाँ तक फुटबॉल का ताल्लुक है, और ये इट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टीम, रियल कश्मीर वन ऑफ द बेस्ट विद जेके बैंक। तो वहां पर जब आपने खेला, आपको क्या लगा हमाद में क्या ऐसी चीज है जो इंडियन टीम के लिए ट्रायल्स के लिए सिलेक्ट हुआ है? ही इज वेरी टफ, लाइक ही कैन प्ले गुड बॉल्स, ही कैन डिफेंड एनी बॉल। किस पोजीशन में हम आप खेलते हैं? सेंटर बैक। सेंटर बैक ही इज आप खेलते हैं? लेफ्ट। एक्चुअली आई एम स्ट्राइकर बट इंडियन टीम में मैं राइट बैक खेला हूं, राइट बट एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग स्ट्राइकर। अब देखिए स्ट्राइकर का आजकल जो लाइमलाइट में होता है खिलाड़ी, जिसका नाम होता है, जो भी आप इंटरनेशनल बड़े बड़े खिलाड़ी देखेंगे जिनका नाम ज्यादा होता है, yes. वो हमेशा स्ट्राइकर होते हैं। yes, yes. पहले से लेके अब आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो ले लीजिए, मेसी ले लीजिए, कोई भी खिलाड़ी इंडिया का, अभी सुनील छेत्री ले लीजिए, ही इज ए स्ट्राइकर, और 6 जून को वो आखिरी मैच खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल से रिटायर हो रहे हैं। 150 मैच खेले हैं उन्होंने, 94 इंटरनेशनल गोल्स किए हैं, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव एवर हैड। तो ऐसे खिलाड़ियों को देखकर आपको लगता है कि इट्स बेटर टू बी ए स्ट्राइकर, और हु मोटिवेट्स यू मोर, वेदर इट्स ए स्ट्राइकर और ए डिफेंडर? ये इंसान की कैपेबिलिटी तक होता है कि आप की पोजीशन, पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी एक पोजीशन रहती है जिसे हम बोलते हैं कि चलो मैं स्ट्राइकर खेल देता हूँ, मैं मिडफील्डर खेल देता हूँ, उसके बाद आपकी कैपेसिटी पे आता है कि आप वहाँ पे खेल सकते हो, आप में है उतनी क्वालिटी, आप दे सकते हो एफर्ट्स, जब आपको लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हो देन व्हाई नॉट, यू कैन गो फॉर दैट। जो स्ट्राइकर होता है उसको अटैक करना है, उसको आगे जाना है, हाँ जी, उसको तमाम दीवारें तोड़कर गोल स्कोर करना है, यस यस, जबकि इसके बरक्स डिफेंडर को दीवार बन के खड़ा होना है। यस, तो आपके लिए जो ट्रांजिशन था कितना मुश्किल था या कितना आसान था? इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू बी फिजिकली फिट, मेंटली फिट, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, यू हैव टू बी बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, क्योंकि यू आर ऑलवेज 4v1, क्योंकि वहां पे 4 डिफेंडर होते हैं और आप एक, सो इट कम्स टू योर मेंटेलिटी। मेंटेलिटी कैसे है? इफ यू आर मेकिंग आउटसाइड रन्स देन यू कैन डिस्ट्रॉय एनी। अभी मैंने मैचेस में देखा आपको डिफेंड करते हुए, कई बार फाउल भी आपने किया, हाँ जी, तो जो फाउल करना एक डिफेंडर के लिए जरूरी है कि आप, आजकल जो फिजिकल गेम हो गई है ना, देखिए आप फुटबॉल को विदाउट टचिंग योर अपोनेंट यू कैन नॉट प्ले फुटबॉल, और आपको धकेलना भी पड़ता है, आपको पुश भी अलाउड है, अगर आपके पास बॉल नहीं है तो यू कैन पुश योर राइवल प्लेयर। तो ये जो फिजिकलिटी आ गई इसमें, फिजिकल एलिमेंट आ गया है फुटबॉल में, तो ये किसी हद तक रफ भी हो गई है, हाँ जी, लेकिन इससे मयार भी बुलंद हो रहा है। तो आपने देखा होगा वर्ल्ड कप के मैचेस और बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं तो उनका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए कश्मीर के खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए? उनको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे हो रहे हैं अच्छे, हाँ, कोचेज अच्छे होने चाहिए, और उनको चांस बहुत ज्यादा मिलना चाहिए, जैसे लीग्स होनी चाहिए बहुत सारे मैचेस, उनको गेम इनसाइड ज्यादा पता होना चाहिए क्या है, जब वो फिर आगे जाएंगे तो दे विल गेट बेटर। जी फैजान वहीद, आपने अपने करियर के बारे में बात की, अभी तो आगाज है आपका, इंशाल्लाह बहुत आगे जाएंगे आप, इंशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान आपने शुरू की है, हमारी दुआएं हैं कि आप बहुत तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें। इस प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फैजान वहीद से हमने बात की, ये एक छोटे से अंडर 17 खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत की नुमाइंदगी की है AFC कप में, इसके अलावा भी कई मैचेस खेल चुके हैं। तो आइए आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में चलते हैं इमरान गुल के पास। नाज़रीन, खेल और खिलाड़ी की बात खास जो है वो यही है कि फैजान जैसे खिलाड़ी यहाँ आते हैं,
और हमें ये पता चलता है कि ये यूरोप गए हैं, यूरोप में फुटबॉल खेली है, उसके अलावा मिडल ईस्ट में फुटबॉल खेली है, साउथ एशिया में फुटबॉल खेली है और भारत के मुख्तलिफ सेंटर्स पे फुटबॉल खेली है। ये प्रोग्राम यूट्यूब पर मौजूद होते हैं, जब भी आप चाहे आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल IPL में जरूर देखिएगा, जो चौथा प्ले ऑफ डिसाइड होगा उसमें बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा, होम टीम जो है, जो होस्ट टीम है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। दो में से एक टीम चौथी टीम बनेगी प्लेऑफ्स के लिए। इसके साथ ही इजाजत दीजिए आज के प्रोग्राम से। खुदा हाफिज़।